क्या हाल है भाई और इनकी बहनों? हाँ भाई, हमारी नहीं तुम्हारी बहनों। अरे शर्मा गई। तो यार, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं जाने वाला हूं शिमला। और शिमला में आज तारीख है भाई, आज है 6 जनवरी 2022। और हमने मौसम चेक किया था शिमला का, शिमला में भाई बहुत ठंडी हो रही है। तो उसी के हिसाब से हम कपड़े वगैरह सब पैक करके ले जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं कजन के साथ। तो आपको पता है कि कजन के साथ कितना मजा आता है, रेदर देन फैमिली। और ये तो जर्नी रहने वाली है, वो हमारी भाई बाय रोड रहने वाली है। और हमारा ये भी प्लान है कि शिमला के ऊपर थोड़ा कुफरी भी होके आएंगे और कुफरी के थोड़ा सा हम नारकंडा भी होके आएंगे। तो ये जो तीनों जगह है वो हम कवर करने वाले हैं भाई, हम बाय रोड। तो आपको ज्यादातर जो क्वेरी यही रहती है लोगों की, भाई बाय रोड में कैसे कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ से बस पकड़नी पड़ती है और कितना कितना किराया होता है, वो सब भी आपको इस वीडियो में डिटेल में हम बताने वाले हैं। तो जुड़ रहना मेरी वीडियो में और अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो भाई जर्नी बिगिन हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की ओर। देख सकते हो रोड पे हैं भाई, लगेज घसीट रहे हैं, मम्मी छोड़ने जा रही पीछे और ये भी जा रही है मेरे साथ। ये वैसे मेरी बहन लगती है किस्मत से। पर हम अभी जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन और भाई लगेज ना बहुत भारी हो रहा है, इधर उधर गिर रहा है। तो मिलते हैं आपको मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है? तो भाई मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, ये रहा मेट्रो स्टेशन और यहाँ पर हमारा लगेज रखा है। एक ये रहा, एक बैग ये है और एक बैग ये है। टोटल 3 बैग ले जा रहे हैं हम और टोटल 3 दिन के लिए ही जा रहे हैं। तो 3 दिन के लिए 3 बैग इनफ है। अब वेट करते हैं अपने कजन्स का, वो भी आने वाले हैं मेट्रो से। भाई सारे इकट्ठे हो चुके हैं, सब यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। 5 मिनट दिखा रही है मेट्रो, अभी इस नेक्स्ट मेट्रो में हम जाएंगे, ठीक है? अभी हमें मेट्रो में, और कहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो? आर के आश्रम से मेट्रो पकड़ेंगे। आर के आश्रम ना, अब तो पकड़ लिए, मेट्रो छोड़नी है। रामकृष्ण, हाँ जी। तो भाई हमारी बस आ चुकी है, ये जिंग बस से कराई थी हमने, वोल्वो है 2x2 की भाई। तो अभी हम चढ़ते हैं बस में, सामान वामान रखवाते हैं, फिर मिलते हैं आपको बस के अंदर, ठीक है? एक सीट पे सामान हमने यहाँ पे रखवा दिया है, पानी की बोतल, स्पेस दे सकते हैं। ये हमारी बस, जिंग बस की हमारी सीट है भाई, आने वाली है 35-36 है और बाकी की भी है, ठीक है? बस कुछ ऐसी है और ये हमारे पोहित भैया, ये भी भाई हमारी सवारी चल चुकी है शिमला के लिए। ये कुछ बस का सफर है, अभी हम यहाँ पर बैठे हुए, कोई देर मेरे साथ बैठे हैं। तो यहाँ भाई बस रुकी है, एक 70 माइल स्टोन करके है एक होटल, यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर देखते हैं, भूख लगती है तो ही खाएंगे। वैसे तो यार भूख नहीं है, नहीं खाएंगे मोस्टली, क्योंकि घर से खा के चले थे हम। ये हमारी बस है यार, तो अगर आप आना चाहते हो तो भाई जिंग बस से आ सकते हो। किराया मैं आपको रूम पे पहुंच के बताऊंगा शिमला पे कि भाई इसका किराया कितना था। तो मिलते हैं अपने बस में दोबारा से, ये हमारा स्टॉप, ठीक है? 70 माइल स्टोन। अभी शायद पहाड़ शुरू होगा ना भैया, पहाड़ शुरू हो चुके हैं, शायद नहीं हुआ, शुरू हो चुके हैं। कब के पहाड़ शुरू हो चुके हैं भाई, और बज रहे हैं सुबह के 5, सुबह के 5 बज रहे हैं भाई, बहुत ठंडा हो रहा है, बट इतना ठंडा नहीं, हमने कपड़े अच्छे खासे पहन रखे। मैंने नहीं पहन रखे भाई, नीचे एक बनियान है सर। मैं तो इनर वगैरह सब पहन के आया हूँ, ये ट्रिपल लेयर जैकेट पहन के आया हूँ, एक बनियान है, और ये ना अभी रोड पर रखी है गाड़ी, मतलब पहाड़ शुरू हो चुके हैं आगे यहाँ से। चलो खड़ी हमारी बस, ये बस हम यहाँ रुके हुए थे, यहाँ पे उतर चुके हम भाई लोग शिमला में। शिमला आपका जो बस स्टैंड है वहाँ पे आ चुके हम, और टाइम कुछ हो रहा है हमारा अभी 6:57 के आसपास का टाइम हो रहा है। सही टाइम पे पहुँचा दिया बस ने, जो टाइम अराइवल का था हमारा उसी टाइम पे पहुँचाया है भाई। जिन बस की सर्विस बहुत बढ़िया थी, हमने लगेज वगैरह उतरवा लिया अपना, ठीक है? लगेज वगैरह हमारा सारा बाहर आ गया है शिमला। तो मिलते हैं आपको अब रूम। ये है कुछ सीन जहाँ पे हम रुके हैं भाई, ये कुछ सीन, सीनरी इतनी बढ़िया हो रही है यहाँ पे, देखो नजारे भाई लोग। एकदम मस्त वाली वैली है ये, पर ऊपर जाएंगे ना वहां पे तो आपको और भी अच्छा देखने को मिलेगा कुफरी और नारकंडा में। तो यार भाई लोग हम आ गए अपने रूम पे, लगेज वगैरह उतार लिया, ज्यादा दूर नहीं था रूम हमारा, अराउंड कितना किलोमीटर था भैया? 5 किलोमीटर 5-1 किलोमीटर पड़ा है, ज्यादा नहीं पड़ा है।
और हम टैक्सी में आ गए थे यहाँ पे। टैक्सी वाले ने खैर ज्यादा पैसे नहीं लिए। एक्सपेंस आपको इस वीडियो के एंड में पता लगेगा कि दिल्ली टू शिमला का क्या एक्सपेंस था और हमारे रूम तक का क्या एक्सपेंस रहा है। बाकी ये हमारा रूम है, महासु विला, देख सकते हैं आप। जाके आपको अंदर दिखाते हैं कि रूम कैसे हैं। मिलते हैं आपसे, आपको शॉर्ट सा रूम टूर दे देते हैं। ये हमारे 205 ये रूम आपको दिखा देता हूँ, रूम कैसा है। एंट्रेंस करते ही ये बेड है हमारा, डबल बेड है, कंबल भी दे रखे हैं और एक कंबल हमारा एक्स्ट्रा इस अलमीरा में भी है, इन्होंने दिया हुआ है, ये रखा नीचे, ये रहा। और ये सामान रखने के लिए स्पेस एनफ दे रखा है। और बाकी ये टीवी भी है, चलता नहीं चलता वो किसी को नहीं पता, शाम को पता चलेगा। ये ड्रेसअप होने के लिए मिरर दे रखा है और ये गरिमा जी यहाँ पे बैठे हैं। और आपको सबसे जरूरी शौचालय दिखा देते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई वही होता है कि हाइजीन में कैसा है कैसा नहीं है। बाकी रूम तो हाइजीन है ही। ये देख लो आप, एकदम नीला नीला समंदर हो रहा है बाथरूम भी। ये रहा गीजर लगा हुआ है, सीट एकदम साफ है, नीट एंड क्लीन है। हमारे से पहले रूम साफ कराया था तो इसलिए नीट एंड क्लीन हमें रूम मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम निकल रहे हैं टूर के लिए। अब हम जा रहे हैं भाई शिमला लोकल घूमने आज, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।